तो गाइस जैसा कि देखा आपने टाइटल और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले इस शर्ट का जो मास्टर हार्बर का है इसको मैंने पहन ही रखा अभी। नॉर्मली मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं दूसरे कपड़े में बनाता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगा कि फिट और सिनेमेटिक का वीडियो शूट करने के बाद मुझे ये खोलने का मन नहीं किया, तो मैं पहन के ही वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। तो गाइस चलिए इस वीडियो में इस शर्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि फर्दर नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। कहिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको एक शर्ट की अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, देन फिर वीडियो में हम लोग आगे डिटेल से बात करेंगे। तो ये शर्ट है अपना जो एक प्रिंटेड कैजुअल हाफ शर्ट है, हाफ स्लीव्स में है। तो ये मास्टर हार्बर की तरफ से है, समर में काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे एक अपने को गत्ता मिला है, मैंने इसको पहली बार किया है, ओपन किया है आपके सामने, बस जस्ट पॉलीथिन से निकाला है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा, इसकी जो पैकेजिंग थी उतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ पे शॉर्ट कलर मिल जाता है, इसकी जो पैकेजिंग थी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए आपको यहाँ पे रिंकल दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉटन मटेरियल है तो रिंकल यहाँ पे है कि ओबियस है कि रिंकल यहाँ पे आ जाएंगे, सल जो है आ जाएंगे। कलर आप देख रहे होंगे, कलर कितना अच्छा लग रहा है, कलर के लिए ही मैंने इसको ऑर्डर किया था। अगर बात करें मटेरियल की तो काफ़ी स्मूथ है, अपने कॉटन मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। अगर साइज की बात करें तो इसको मैंने इस साइज में ऑर्डर किया है, वीडियो में आगे साइज और फिटिंग से हम लोग आएंगे। अगर स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स ठीक है, अपना एवरेज स्लीव एवरेज लेंथ का स्लीव्स है, और यहाँ पे कोई अपने को ये नहीं मिलता है जो नॉर्मल अपना हेम होता है वही है, कोई एक राउंडेड होता है या एक कप्ड होता है वो सब नहीं है। नीचे की तरफ एप्पल कट मिल जाता है अपने, अगर पीछे की तरफ देखें तो पीछे भी सेम ही प्रिंट है और बाकी सेम प्रिंट है, और रिंकल आपको दिख रहा है एज यूजुअल। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग एक बार वॉश करके अगर आयरन कर देंगे तो ये परफेक्ट आ जाएगा शेप में। कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉलर जो है स्प्रे टाइप का कॉलर नहीं है, है नॉर्मल जो अपने कलर होते वही है। और अगर प्राइस की बात करें तो 1699 इसके यहाँ पे है जो अपना दिया है प्राइस टैग, इस पर मेंशन किया हुआ है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है और ये भी लाइट वेट है, समर में काफ़ी कंफर्टेबल होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और डिटेल से और इसके प्राइस एंड ऑल सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो गाइज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो गाइज आई होप आपने देखा इस शर्ट की अनबॉक्सिंग को, आपको अच्छा लगा होगा, जितने भी पॉइंट थे इसके मटेरियल के बारे में मैंने वहाँ पे आपके साथ डिस्कशन किया। अब आते हैं इसके प्राइस के बारे में, फिटिंग कम्फर्ट बाकी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके फिटिंग्स की बात करेंगे। तो गाइज अगर साइज चार्ट को देखें तो ये मैंने 38 साइज में ऑर्डर किया है, इसका जो चेस्ट है वो 40 पॉइंट समथिंग का है, फ्रंट लेंथ जो है 29.8 इंचेज का है, और उसके बाद अगर शोल्डर अक्रॉस बात करें तो 17 इंचेज अपने को साइज चार्ट में दिया गया है। तो गाइज अब बात करते हैं क्या ये अपने साइज चार्ट को जस्टिफाई करता है, जो साइज चार्ट इस साइज के लिए मेंशन किया गया था क्या वो एक्यूरेट है। तो जी हाँ एक्यूरेट है, क्योंकि मेरा जो शोल्डर है आप फिट यहाँ पे देखेंगे तो शोल्डर पे परफेक्ट फिट है, कट टू कट फिट है, 17 इंचेज का मेरा शोल्डर है और ये शोल्डर पे मेरे अच्छे से फिट आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं बाइसेप्स पे अच्छा पकड़ बना रहा है, यहाँ पे थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि बाइसेप्स पे जो ये पकड़ बना रहा ना तो थोड़ा सा अपने को वहाँ फील हो रहा है कि कोई चीज़ हार्ड अपने को वहाँ पे पकड़ कर रखा, जो अच्छी बात है, फिटिंग्स उससे काफ़ी इन्हेंस होती है। उसके बाद अगर चेस्ट पार्ट की बात करें तो चेस्ट पार्ट पे अपने को 2 इंचेज का गैप मिल जाता है, जो इसके साइज चार्ट में मेंशन है 38 इंचेज का ये है, और जो 40 इंचेज का इसका चेस्ट है तो ठीक है, यहाँ पे अपने को इनफ रूम है जो एयर एक्सचेंज एंड ऑल होता रहेगा। उसके बाद अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ लॉन्ग है, लॉन्ग इन द सेंस कि हमारे जिप के हाफ फ्लाई तक होना चाहिए मिनिमम, लेकिन ये जिप से उसके हाफ फ्लाई से थोड़ा सा बड़ा है, तो लेंथ सही है, ऑकवर्ड नहीं दिख रहा है। उसके बाद अगर पीछे बैक पार्ट में बात करें तो बैक पार्ट में भी परफेक्ट फिट है, वेस्ट पार्ट को अच्छे से ये होल्ड करता है, तो टोटली एक स्नगली फिट अपने को देता है, इसलिए मैं यहाँ पे पहन के ही वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा है। गाइज उसके बाद आप बात करते हैं इसके कम्फर्ट के बारे में। तो गाइज इसका जो मटेरियल है 100% कॉटन है और थोड़ा सा थीकर मटेरियल, काफ़ी कॉटन शर्ट जो होते हैं काफ़ी लाइट वेट होते हैं जिसके कारण हम तो पहनते हैं लेकिन वो हम कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते हैं कि वो स्नगली फिट नहीं होते, लेकिन ये जो शर्ट है काफी स्नगली फिट है, तो आप इसको पहनने में काफी एंजॉय करेंगे जैसा मैं इस बार कर रहा हूं। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके पहले आप इसके प्राइस के बारे में जान लें। तो गाइस इसका जो प्राइस है 594 है और इसको मैंने myntra.com से परचेज किया है। तो अगर आप मास्टर हार्बर के शर्ट के लिए जाना चाहते हैं तो काफी सारे प्रिंटेड कैजुअल शर्ट आपको मिल जाएंगे, जाकर लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये था टोटल इस शर्ट के बारे में, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, नहीं तो अगले अपडेट्स मिस कर दोगे। ऐसे काफी सारे वीडियोस हम लेके आने वाले हैं, तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा,
अगर आपका कोई कमेंट क्यूरी सजेशन होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में रखते जरूर जाइएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो लिंक उसका मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, माय लवली फ्रेंड्स।